इसे सूखना मत देना चाहिए, इसे अच्छे से दबा कर इसे क्लोज करके रख दीजिए। अभी चावल लिया था ना, उसी ग्लास में दो ग्लास चावल के लिए 1.5 ग्लास गुड़ को पाउडर करकर लेना है। इसमें 1 ग्लास पानी गुल भीगने तक डालकर स्टोव पर रख देना चाहिए। अभी जैगरी को फिल्टर करकर, अच्छे से फिल्टर करकर ये पाका लेने के लिए रख देते हैं। चलिए आप देखते हैं ये हुआ कि नहीं। ये थोड़ा लेकर पानी में डालना है। अभी ये पिघला नहीं, देखिए ऐसे ही निकल कर आ रहा है। ये अभी पक गया है। इसके बाद थोड़ा एलाइची पाउडर, 1 स्पून खसखस डालकर मिला लेंगे। थोड़ा पाउडर किया हुआ चावल का आटा ऐसे डालकर मिला लेंगे। सब मिलाकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। यह पाउडर डालकर अच्छे से मिला लिया है। अभी कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए। इसे 1 दिन के लिए वैसे ही क्लोज कर, अच्छे से मिलाकर 1 दिन के लिए रख देना चाहिए। इसमें बहुत तेल रहता है, इसलिए ऐसा एक बूटर का ये लेकर इसे दबा कर तेल एक्स्ट्रा तेल निकालना है। निकाल कर ऐसे निकाल दीजिए। अभी देखिए दोस्तों, सब कुछ निकाल लिया है, कितना अच्छा से आ गया है। अभी एक दिखाती हूँ तोड़ कर कैसे आया है। कहकर बहुत सॉफ्ट आया है, देखिए अंदर से सॉफ्ट, थोड़ा क्रिस्पी, तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं पिया। कितना अच्छा से आया है, सॉफ्ट है, ऐसे आना चाहिए। ये बहुत अच्छा आया है। आप भी घर पर बना कर देखिए, अच्छा आया है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।